अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की मेरी रेसिपी है मलाई बोटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और जल्द बनने वाली चीज़ है। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको 10 से 12 मिनट में रेडी कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg चिकन बोनलेस, क्योंकि बोनलेस चिकन जल्दी रेडी हो जाता है, तो इसकी कुकिंग टाइम सिर्फ 12 से 15 मिनट होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल डाला है, ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको मैं मैरिनेशन के बगैर बना रही हूँ। एक मेरी रेसिपी पहले भी है जो कि मैं मैरिनेशन के साथ बना चुकी हूँ, वो भी नीचे है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें मैंने 1-1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। जैसे ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा, इसके अंदर हम चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को हमने 2 से 3 मिनट इसमें फ्राई करना है कि ये अपना कलर चेंज करना शुरू कर दे। आपने इस रेसिपी को बनाते हुए टाइम नोट कर लेना है, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाना। इसमें ये कुक भी हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। अगर आप इसको कुकिंग टाइम ज़्यादा देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये सब मसाले हैं, नमक, सफ़ेद मिर्च डाली है, अब अगर आप चाहें तो काली मिर्च डाल लें, और साथ में इसमें ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर। ये सारी चीज़ें हम डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। भूनने का टाइम भी तकरीबन 1 मिनट है, ज़्यादा नहीं है। और फिर इसके अंदर 1 कप मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूंगी और उसको पकाएंगे। ये देखिए, जैसे जैसे इसको हम भून रहे हैं, चिकन का कलर चेंज हो रहा है और वो साथ साथ पकता भी जा रहा है। ये देखिए, दही डाल के इसको मैंने, अब दही डाल के सिर्फ 5 मिनट पकाना है, ताकि जो गोश्त है वो अंदर से गल जाए अच्छी तरह और टेंडर हो जाए। इसको अब मैं ढक के रख दूँगी ताकि गोश्त गल जाए और थोड़ा सा दही भी जो है खुश्क हो जाए। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाएंगे। ये देखिए, घी सारा छोड़ चुका है दही, और इसके अंदर मैंने 1/2 कप क्रीम डाल दिया है। क्रीम डालने के बाद इसको हम फिर से थोड़ा सा भूनेंगे, सिर्फ 1 या 2 मिनट, और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरी मिर्ची और अदरक डाल लेंगे। अगर आपको अदरक पसंद है तो ठीक है, नहीं तो खाली आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च जो मैंने इसमें आपको लिखी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा तेज़ करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा तेज़ कर सकते हैं, इसको ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं, वरना 1/2 kg में ये बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च है। ये देखें, 10 से 12 मिनट लगे हैं और हमारा मलाई बोटी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।